हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शमा शेख एक जनरल लैप्रोस्कोपिक एवं ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मैं इस क्षेत्र में पिछले 17 वर्ष से कार्यरत हूँ। ब्रेस्ट डिसीजेज़ की इस वीडियो सीरीज़ में अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसमें सब में पहले आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब खुद के स्तन की खुद जाँच करना। ये हम घर पर कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की वजह से हमें ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस जल्दी पता चलते हैं और ब्रेस्ट हेल्थ मेंटेन करने में मदद होती है। ज़्यादातर गांठ या चेंजेस कैंसर की नहीं होती, पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के वजह से जो भी चेंजेस हमें समझ में आते हैं उससे कैंसर जल्दी पता चलने की संभावना होती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कुछ भी अलग समझ आए तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दो भाग होते हैं, एक इंस्पेक्शन और दूसरा ब्रेस्ट को फील करना। 25 वर्ष के आगे की महिलाओं ने इसे करना चाहिए। जिनके पीरियड्स चल रहे हैं उन्होंने पीरियड्स के होने के बाद पहले या दूसरे दिन हर महीने एक बार ये करना चाहिए, और जिनके पीरियड्स जा चुके हैं यानी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन कोई भी एक तारीख महीने में तय करके उस दिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहाते वक्त, नहाने के बाद तैयार होते वक्त या जस्ट सोने से पहले आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें प्रथमतः ब्रेस्ट का इंस्पेक्शन होता है। तो मिरर के सामने खड़े रह के अपना टॉप उतारें, अंदर के कपड़े उतारें और अपने ब्रेस्ट को मिरर में देखें। हाथ के अलग अलग पोजिशंस रख कर ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस देखें। हाथ नॉर्मली बाय द साइड ऑफ द बॉडी रखें। दूसरी बार हाथ सीधे कंधे के ऊपर खड़े करें और तीसरी बार अपने हाथ कमर के ऊपर दबाकर देखें। अब देखते हैं हमें कौन से चेंजेस नोटिस करने हैं। ब्रेस्ट का साइज़, ब्रेस्ट का शेप, निपल और एरियोला का साइज़ शेप, इन्वर्जन ऑफ निपल, स्किन का मोटापा, स्किन में या फिर निपल में जख्म होना या फिर कोई गांठ उभर कर आ रही हो, इसमें से कोई भी बदलाव नोटिस करें। इस इंस्पेक्शन के बाद हम देखते हैं ब्रेस्ट को फील कैसे करना है। हमेशा याद रखें कि बीच वाली तीन उंगलियों के फ्लैट सरफेस से हमें ब्रेस्ट को फील करना है और इसे अपने ब्रेस्ट को चेस्ट के अगेंस्ट फील करना है। राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से फील करें और लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से फील करें। इसे हम गोलाकार फैशन में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर फील कर सकते हैं या रेडियल फैशन में भी फील कर सकते हैं ताकि ब्रेस्ट का कोई भी पार्ट छूटे ना। ब्रेस्ट फील करने के बाद इस अपने कांख में भी फील करें। इस फील करने की प्रोसेस में आपको देखना है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ लग रही है क्या, कोई मोटापा लग रहा है क्या, कोई पार्ट में दर्द हो रहा है क्या, और कांख में भी सेम चेंजेस हमें देखने हैं। लास्ट में निपल को दबाकर इसमें कोई डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं ये भी चेक करें। याद रखें कि ये सारे स्टेप्स हमें दोनों ब्रेस्ट में फील करने हैं। ध्यान रहे कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये डॉक्टर के द्वारा की गई हुई एग्जामिनेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, पर रुग्ण तभी डॉक्टर के पास जाता है जब उसे कुछ एबनॉर्मल फीलिंग आए। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये अच्छा एग्जाम्पल है कि हम कोई भी चेंज को अर्ली डिटेक्ट करें और डॉक्टर के पास जाएं। ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर के द्वारा की हुई जांच, इमेजिंग और बायोप्सी से ही पता चलता है, पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने के लिए आगाह करता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंस जानिए और इसे अपना पार्ट ऑफ रूटीन बनाइए। इसके बारे में आपको और कोई शंका हो तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल करें। फिर मिलते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल ज़रूर रखें।